राजस्थान के बीकानेर लिए चलते हैं। वहां की जनता से बात की है एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर ने। यहां लोग बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सत्ता में वापसी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की जीत की बात कर रहे हैं। लोगों में अधिकतर वसुंधरा सरकार से नाराजगी है, तो वहीं बीजेपी की वापसी की बात कहने वाले लोग मोदी के काम को बड़ी वजह बता रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और हर किसी की निगाह अब 11 दिसंबर पर लगी है कि क्या नतीजा आएगा। क्या बीजेपी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब होगी या कांग्रेस अपनी घर वापसी करेगी। लेकिन इन सब के बीच में जनता क्या सोचती है, क्या लगता है जनता को, इस पे बात करने के लिए मैं मौजूद हूँ बीकानेर में और यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सादुल सर्किल। ये बताइए क्या लग रहा है, इस बार किसकी सरकार बन रही है? सरकार बीजेपी की बनेगी। क्यों क्यों? तो अब क्या जनता की यही राय है सब? अच्छा काम किया है, क्या आधार है जीत का? अच्छा ही किया, देश के लिए तो बढ़िया ही किया है। तो वसुंधरा की सरकार ने अच्छा किया? वसुंधरा आए चाहे मोदी आए, आएगी बीजेपी, आएगी बीजेपी। अच्छा आपका क्या नाम है? पूनम चंद। तो ये बताइए इस बार सर्वे जो आया है टीवी चैनल्स का, उसमें कांग्रेस जीतती दिखाई दे रही है, आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी वजह सही है, बीजेपी हमारे लिए सही है, अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। तो किसको, वसुंधरा जी को फिर से सीएम चाहते हैं? चाहते हैं वसुंधरा जी चाहते हैं। सर आपका क्या नाम है? सागर। आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस। क्यों? जीएसटी नोटबंदी, जो बनिए लोग हैं वो ज़्यादा नाराज हैं, उनकी वजह से जीएसटी से बहुत परेशान हुए हैं, एक एक महीने से रिटर्न भरने लग गए, उसकी वजह से हर चीज़ प्रॉब्लम आ रही है। कभी अपने यहाँ इंटरनेट की इतनी सुविधा नहीं है और वो लागू हम एक एक महीने से कर रहे हैं, वो बहुत दिक्कत आ रही है। तो मतलब वसुंधरा सरकार ने अच्छा काम नहीं किया? काम तो देखो ठीक है वसुंधरा सरकार ने, ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम नहीं किया जितना लोगों को उम्मीद। नाराजगी मोदी की है? हाँ मोदी की नाराजगी। आपको क्या लग रहा है सर कौन जीतता है? मेरा नाम इंद्रदान है जी। मैं बीकानेर का वासी हूँ और पूर्व से मेरे विधायक है सिद्धि कुमारी। यहाँ पे हमें मोदी का सबसे बढ़िया काम जो लगा है वो नोटबंदी। ये तो कह रहे हैं नोटबंदी से नुकसान, नोटबंदी से हमें फायदा हुआ है, नुकसान नहीं है, आगे के लिए बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ। आप क्या करते हैं? बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है, तो मतलब दोनों लोगों में बिल्कुल अंतर है, क्योंकि इन्होंने नोटबंदी और जो ऑनलाइन काम शुरू किए हैं, जो ऑनलाइन में सारा बाजार जो एकदम ऑनलाइन आ गया है, हर पब्लिक के सामने है, और पब्लिक के सामने होने से हर आदमी को ये मालूम है कि वो कोई भी देश में चोरी नहीं होने देगा। तो मोदी जी ने अच्छा काम किया इसलिए वसुंधरा जी? मोदी ने अच्छा काम किया, अगर आगे की कड़ी अच्छी होगी तो आगे पीछे की सारी कड़ियां मजबूत होगी। और मोदी जी, मोदी के पीछे जैसे अमित शाह है और हमारे जो, चलिए चलिए ठीक है। आपका क्या नाम? हर्षवर्धन शर्मा। आपको क्या लग रहा है कौन जीते? सर हमारे यहाँ पे तो वसुंधरा की नहीं देखी जाए तो सर हमारे मोदी जी को जाना जाता है। मोदी जी की कार्यकाल के अंदर हम बीजेपी दोबारा लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी की वसुंधरा ने हमारा कोई यहाँ विकास नहीं किया, बाकी के मोदी जी के पीछे हम बीजेपी लेके आएंगे मोदी जी की वजह से। आपका क्या नाम? मेरा नाम सावरलाल जाट है। क्या लग रहा है आपको? मेरे को तो इधर कांग्रेस आती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे भी कह रहा है कांग्रेस आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भाजपा ने इधर कुछ ध्यान नहीं दिया, लोग वसुंधरा से बहुत ज़्यादा परेशान है और एक बार सीएम चेंज करना चाहते हैं। किसको बनाना चाहते हैं सीएम? अब देखो रामेश्वर डूडी बन जाए तो बहुत ही अच्छा है। चलिए आप तीसरा नाम आपको, अच्छा आपसे पूछा, आप बताइए क्या नाम है? महेंद्र सिंह है मेरा नाम। आपको क्या लग रहा है? सरकार तो अभी जिस हिसाब से है उस हिसाब से तो कांग्रेस का लग रहा है, बाकी हम चाहते हैं कि वापस बीजेपी बने। अच्छा चाहते कांग्रेस की है लग रहा है, चाहते बीजेपी है लग रहा है कांग्रेस का है। क्या क्यों? यहाँ थोड़ा सा काम बीजेपी सरकार में थोड़ा काम कम हुआ है, हर पाँच साल में क्या है कि चुनाव लोग क्या वापस चेंजिंग मानते हैं, इसलिए। आपका क्या नाम है? अशोक पुरोहित। आपको क्या लग रहा है? मेरे को कांग्रेस लगेगा, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस आएगी। क्यों क्यों? बीजेपी ने कोई कार्य नहीं किया है। तो मिली जुली राय लोगों की बीकानेर में, लेकिन मीटर क्या कहता है, आइए आपको बीकानेर का मीटर दिखाते हैं, कितने लोग किसके समर्थन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सामने आपके अब बीकानेर का मीटर देखिए, 50-50 है, 50% मोदी जी के समर्थन में, 50% राहुल गांधी के समर्थन में, यानी कि यहां की जनता की साफ तौर पर मिली जुली राय आपने देखी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।